कि किसी की भी निंदा करनी अपने छड के होर दूजियां दी निंदा करनी 100 गऊआं दा घात करन दे समान पाप है। और गुरुआं ने तुहानू किन्ने वार सुनाया लिखिया, निंदा भली किसी की नाही मनमुख मुग्ध करन, मूह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। मनमुख जिहड़े आपदे मन दे आखे चलते हैं, किसी गुरु पीर की नहीं मनते। मनमुख मुग्ध, मुग्ध हुंदा मूर्ख, मनमुख मुग्ध करन मूह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। दोनों जहाना चो नरक भोगते हैं। हर धर्म च ही लिखा है फजूल की बहसबाजी ना करो, अपने अवगुणा देखो, दूजिया च गुणा देखो, क्योंकि जो तुम आप दे अंदर देखोगे वह चलिया जाता है। सो अवगुणा देखो, दूजिया जो देखते हो तो आ जाता है, सो दूजिया च गुणा देखो ताकि तुम गुणवान बन जाओ। पर एक कलयुग का दौर है, भयानक कलयुग का समा है। इत्थे लोग अपने गुणा देखते हैं और दूजिया के अवगुणा देखते हैं, इसलिए गुणवान बंदे भी अवगुणी बने जा रहे हैं, दुखी होंदे जा रहे हैं, परेशान होंदे जा रहे हैं। सब का भला मंगना, सब का भला करना, ये बहुत जरूरी है। और जो लोग ऐसा करते हैं यकीनन परम पिता परमात्मा दीयां खुशियां लुटते हैं। इसलिए सब का भला मंगया करो, सब का भला करया करो, ताकि परम पिता परमात्मा की रहमत तुहाडे ते बरसे। इंसान केड़ा नहीं चाहता सुखी परिवार मिले, ऐशो आराम की जिंदगी होवे, हर इंसान चाहता है। पर इस चाहत नूं अगर पूरा करना है तो दो काम करो। नंबर एक, सच्चे रूहानी संत दे बचना ते अमल करो। नंबर दो, मेहनत कड़ा परिश्रम करो, मेहनत करो, हक हलाल करो। ये दो कम अगर तुसी करदे हो ना, अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। ये तो पक्का है कि हर इंसान नूं इस दुनिया तो जाना पैंदा है, जिन्ना मर्जी जोर ला लो। जदों समा आएगा इत्थों रवानगी पौनी पैनी है। और मौत दा पहला ही लिखा गया है, पहले बने प्रारबिध पाछे बने शरीर। पहला लिखा गया है किहड़े तरीके नाल तुहाडा शरीर छुटना है, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट या किसी होर तरीके नाल। वह परमात्मा ने पहला लिखता है। बदलिया जा सकता है दुख तकलीफ नूं, बदलिया जा सकता है अपने भयानक कर्मां नूं, जो कि राम नाम नाल सेवा नाल बदल सकते हैं। इसलिए रब का ना जपया करो, टेंशन ना लो, चिंता ना करो, रब का ना जपते रहो, मालक तो डरते रहो, तो बुरे कर्म नहीं करोगे। और बुरे कर्म नहीं करोगे तो भय किस गल का, खुशियां मिलनगियां, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। जब बुरे कर्म करते हो डर उदों ही ज़्यादा लगता है, उदों पता लगता है भी हाँ हुण भोगना पऊगा। सत्संगियां नूं तां खास करके पता हुंदा है, पहलां गलत कर्म करदे रहे और जदों भोगने पए फिर याद आउंदा, ओ संतां ने तां कहा सी आपां ही नहीं मन्ने, हुण लै सवाद। सो बगले भगत ना बनो, हंस बनो। हंस जिहड़ा पानी चों दुध नूं नतार के पी जांदा है, बगले ना बनो। भगती दे रूप, भगती दे कपड़े पहन के पाप कर्म ना करो। इसलिए संत समय समय अनुसार लोगों नूं समझाउंदे हन कि वचन मन्या करो, वचना ते चलिया करो। और वचन की नाम जपो और बेगरज प्यार करो, बस। बाकी मेहनत हक हलाल तो तुहानूं बोले ही है, अपने करतब अपने फर्जां की अदायगी करया करो। जिथे लोड़ है अपने फर्ज का निर्वाह करो।
परमात्मा का नाम जपो, उहदी बनाई सृष्टि नाल बेगरज मुहब्बत करो। यकीन मनो तुहाडियां झोलियां दया में रहमत नाल माला माल हो जाणगियां। हाँ जी, तो तुहाडे कुछ पत्र आए हैं सो पढ़ के सुनाउंदे हैं। हाँ जी बोलो जी, ये भी सत्संग है। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा अमन इंसान। पूजा गुरु जी, जब कोई जीवात्मा दुनिया की परवाह न करते हुए अपने सतगुरु की तरफ बढ़ती है तो सतगुरु को कितनी खुशी होती है जी? सतगुरु को बेइंतहा खुशी होती है, इतनी खुशी कि क्या उदाहरण दें। कोई बच्चा तड़फता हुआ बिछड़ जाए माँ से और वो वापिस लौटे, जितनी माँ को खुशी होती है उससे हजारों गुना सतगुरु मौला को होती है। प्रियंका इंसान जेसीडी डेंटल कॉलेज सिरसा से। पूज्य पिताजी, आप जी ने पिछले सत्संग में वचन फरमाए थे कि नाम चर्चा में पैसा इकट्ठा नहीं करना है। पिताजी, हमारे हॉस्टल में हम सब मिलकर नाम चर्चा करते हैं और जो लेट आता है उसको फाइन लगाते हैं और हम परमार्थ कर देते हैं, क्या यह ठीक है जी? हाँ, ऐसे आप थोड़ा थोड़ा अगर ऐसा कुछ करते हो तो कोई हर्ज नहीं। अनिता डबवाली से। पूज्य पिताजी, आपने जो अनमोल धरोहर दी है उसमें अपनी बेटी को दे सकते हैं जी? भाई, जिसका नाम लिखा गया वो खुशियां तो उसी को मिली हैं, आगे आप जितने जितने किसी को बांटना चाहें आपकी मर्जी है। अमन श्री गंगानगर से। प्यारे पिताजी, अगर कोई रूह सेवा सुमरण बहुत कम करती है परंतु उसको हर्ष में आपके कण कण में दर्शन होते हैं, मतलब आपके हर्ष में अपने साथ महसूस करती है, तो इसका क्या राज है जी? क्या दोबारा से बोले? अगर कोई रूह सुमरण कम करती है, सेवा कम करती है और उसे हर्ष में आप जी के कण कण में दर्शन होते हैं तो इसका क्या राज है जी? ऐसा हो नहीं सकता, कोई गप मारता होगा। अमित कुमार इंसान ब्लॉक मंडी गोविंदगढ़ से। पूज्य पिता जी, क्या हम गर्व दिवस के बिना अपने कस्बों में होने वाले खेल टूर्नामेंट में सहस्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी पहनकर भाग ले सकते हैं जी? अभी जो गेम हो रहे हैं इनके बिना कहीं और टूर्नामेंटों में जी? और टूर्नामेंटों में तो नहीं पहनना चाहिए। भजन कौर इंसान। पूज्य पिता जी, जब मैं सिमरन करने बैठती हूँ तो मेरी जीभ दांतों के बीच दब जाती है जिससे मैं सिमरन नहीं कर पाती, ऐसा क्यों होता है जी? कर्म रोग हो सकता है, चलते फिरते सिमरन किया करो फिर बैठ के करना, ठीक हो जाएगा। केवल सिंह इंसान बठिंडा से। प्यारे पिताजी, मैं फौजी हूँ, सरहद पार करने वाले घुसपैठियों को मारने का पाप भी लगता है या यह जन्मों का लेन देन है जी? जन्मों का लेन देन तो होता ही है और आप कर्तव्य निर्वाह करते हैं तो ये आपकी ड्यूटी है, अब आत्मरक्षा तो हर किसी का फर्ज है। डॉक्टर अमन इंसान ब्लॉक मंडी गोविंदगढ़ से। पूज्य पिता जी, एक हफ्ता पहले हम ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के फोरम नोटरी से अटेस्ट करवाने गए तो उसने पहले हमें कहा कि मैंने अमृत छका हुआ है, डेरे का काम करना मेरे धर्म के खिलाफ है, फिर बाद में जानबूझकर गलत अटेस्ट करवा दिए और पैसे भी पूरे ले लिए। जब हम उसके पास शिकायत करने गए तो पता चला कि उसके धोखे का परिणाम तो उसे पहले ही मिल चुका है क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती था और उसकी बीमारी पर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पैसा खर्च आ चुका था जी। कैप्टन इंसान ब्लॉक फिरोजपुर से। पूज्य पिता जी, ब्लॉक की नाम चर्चा में क्या हम मानवता भलाई के क्षण कार्यों के इश्तिहार बांट सकते हैं ताकि जो सात संगत को पता चल सके? जी हाँ। नरेंद्र इंसान तलवंडी साबो से। प्यारे पिताजी, मैं बैंक विचों 500 रुपए कटवाने सन पर बैंक कैशियर ने मैनु गलती नाल 50,000 रुपए दे दीते। जदों मैं आप जी की प्रेरणा नाल पैसे वापस करन लग्या था उन्होंने कहा कि मेरे कोल टोकन ही 50,000 रुपए का आया है, तो उसने ये भी कहा कि जे कोई और होंदा तो 5 रुपए भी वापस नहीं करता। आपके गुरु जी धन्य हैं। शाबाश बेटा, प्रसाद लेना और पत्रकार वालों समाज को मिलना। पालाराम इंसान गांव चंदूर वाली ब्लॉक भगवानपुरा से। पूजा गुरु जी, जन्म मरण का चक्कर कैसे खत्म हो सकता है? नाम के सुमरण से। भाग इंसान ब्लॉक अजरोर से। प्यारे पिताजी, मानवता भलाई दे कम करण तो पहला की डेरा सचा सौदा दी इजाजत लेनी जरूरी है? साढ़े 15 मैंबर यह गल कहते हैं जी। बेटा, अज कल भले का टाइम नहीं है, कई बार तुम भला करो और थोड़े तो उल्ट पै जाए। कुछ काम है जो भलाई दे अपने आप कर सकते हो, पेड़ पौधे लाते रहो, पर कुछ काम ऐसे जी आग्या लेनी जरूरी है। 15 मैंबर ब्लॉक बरेटा से। प्यारे पिताजी, ब्लॉक नू चलाउन वास्ते परमार्थ इकट्ठा किया जाए जा नहीं? ब्लॉक नू चलाउन वास्ते ये ब्लॉक पैसे नाल चलता है, अगर तुम कोई परमार्थ करना चाहते हो वो टीम बनाई जाएगी, हर ब्लॉक च सिर्फ उ पैसा इकट्ठा करेगी। अगर कितने तुम पैसा लगाना चाहते हो बीमारा से या कुछ इस तरह, अदरवाइज नाम चर्चा करो, सेवा करो तन दी, वो भी बहुत बड़ी गल है।
संदीप इंसान ब्लॉक लुधियाना से। पूज्यता जी, हम बच्चों के साथ 26 जून 2013 को श्रीनगर घूमने गए। 30 जून को मेरा बेटा लविस गेस्ट हाउस के पहली मंजिल से लगभग 16 फुट की ऊंचाई से खिड़की से बाहर गिर गया। पिताजी, बच्चे की उम्र 2 साल है, नीचे पक्का रोड था। आपकी रहमत से बच्चे को खरौंच तक नहीं आई। हॉस्पिटल वाले कहते तुम मजाक करते हो। पिताजी, बच्चा कहता है कि मुझे पूज्य पिताजी गोदी में बैठा कर नीचे छोड़ गई। पिताजी, कोई शब्द नहीं जिसे आप जी का धन्यवाद किया जाए। बच्चा कहता है कि मुझे पिताजी बुला रहे हैं, डेरे लेकर चलो। आज हम उसे डेरे लेकर आए हैं जी, बच्चे को नेक इंसान बनाना जी। जी बेटा, खाना उसको जो भी बना के दो, सिमर करके बना के देना, बच्चा नेक अच्छा इंसान बने। मालिक से दुआ है, बहुत आशीर्वाद। ब्लॉक घग्गा से पूजनीय पिताजी, स्कूल बीच में अपने साथियों डेरे सच्चे सौदे नाल जुड़न अते नाम लेने बारे कहिंदा हां, तां अगों ओह कहिंदे हन कि सानू पता है ते नाम दी तुक भी बोल देंदे हन, कि सानू इस दा दोष लगदा है जी? नहीं, कोई दोष नहीं लगदा। तुसी बस यही कहो कि जी सानू तां पता नहीं है कि नहीं है। 25 मैंबर पंजाब, प्यारे पिताजी, ब्लाक दी नाम चर्चा विच जिस पिंड दी संगत ज्यादा आउंदी है कि उस पिंड अते पिंड दे जिम्मेवार नू सारी संगत च नारे दे रूप विच सम्मानित कर सकदे हां जी? जी, कर सकदे। सुखदुआ समाज से हाजी गुड़ी मोगा से पहली बार आए हैं जी, अनु लुधियाना से जाम पीने के लिए आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं जी। हाँ, आशीर्वाद बेटा जी, आया नु मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद जी, आया नु खुशामदीद। और कोई गल है तो बेटा जरूर दस्यो, मालिक खुशियां बख्शे जी। आया, इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्यता जी, जिन लड़कियों की शादी के बाद लड़के में फिजिकली प्रॉब्लम के कारण डाइवोर्स हो जाता है, तो उसमें लड़कियों का तो कोई कसूर नहीं होता और लड़कियों पर शादी का दाग लग जाता है, उनकी दोबारा शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है। पिताजी रहमत करो और इस बारे में भी कुछ जरूर करो जी। वो अपने यहाँ शादियां करवा तो रहे हैं बेटा, आप आके एमएसजी अडम में मिला करें। ब्लॉक चंडीगढ़ से पूज्य पिताजी, आप जी से अर्ज है कि चंडीगढ़ एक छोटा सा ब्लॉक है, इसके बावजूद इसका काफी हिस्सा पंचकुला हरियाणा के साथ जोड़कर रखा है। इस बारे में बार बार प्रार्थना करने के बाद भी 25 मेंबर कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ ब्लॉक की सेवा व परमार्थ पर काफी फर्क पड़ता है जी। हाँ भाई, आप नोट करें और इसका ख्याल करें जल्दी से। सात संगत राजनीतिक विंग पंजाब, प्यारे पिताजी, पंजाब से नई बनी काफी पंचायतें आप जी का आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं जी। हाँ, खड़े हो जाएं जी, पंचायतें जो आई हैं, जड़ियां पंचायत आई हैं, नवियां बनी हैं जी, पंच सरपंच जो भी तुसी आए हो, सो जी आया नू बेटा अच्छे काम करो, परमात्मा थोड़ा साथ देवे और सब दे सांझे काम बहुत जल्दी करो और हिम्मत करो, परमात्मा उन्हें ही ज्यादा खुशियां बख्श दे। सुनार लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद प्रसाद ले लो जी। आया नू दलशेर सिंह इंसान टोहाना से पूज्यता जी, आप जी की कृपा से शाहस्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने सच लेबोरेटरी के सहयोग से टोहाना ब्लॉक में अनीमिया निवारण कैंप लगाकर 3000 बच्चों व महिलाओं के खून में हीमोग्लोबिन की जांच कर दवाइयां देकर व फॉलोअप करके स्वास्थ्य विभाग का जो सहयोग किया है, उसके लिए एसएमओ साहब टोहाना ने आप जी के नाम धन्यवाद पत्र भेजा है जी, आप जी को देना चाहते हैं जी। जी शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया, आशीर्वाद बाद में दे देना। ब्लॉक अहमदगढ़ में एक जोड़ी आंखें दान हुई हैं जी, नेत्रदानी अंगूरावती, आशीर्वाद। ब्लॉक मंडी डवाड़ी से और सरदूलगढ़ से 4-4 ट्राली बन छठी लेकर आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। आशीर्वाद बेटा, सेवा सुनो मालिक के, मालिक से पैर बड़े प्रसाद ले जाना, बहुत आशीर्वाद। दूर दराज से दर्शन करने के लिए आए हैं सोनो इंसान सूरत गुजरात से, आशीर्वाद चाहते हैं जी, आशीर्वाद। अब कुछ लाइव मैसेज हैं जी, सात संगत न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया। प्यारे पिताजी, आप जी के पावन अवतार माह अगस्त की खुशी में न्यूजीलैंड की सात संगत ने 15 यूनिट ब्लड डोनेट किया है और 2000 पौधे लगाए हैं जी। वह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की सात संगत ने 4250 पौधे लगाए हैं जी। इसी तरह सेवा स्मरण का बल चाहते हैं, हलवा व ड्राई फ्रूट है प्रसाद बनाने के लिए अर्ज कर रहे हैं जी। न्यूजीलैंड की सात संगत की फोटो स्क्रीन पर है जी। शाबाश बच्चों, शाबाश, मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद ले लेना, मालिक दया में रहमत से नवाजे, सेवा सुनो मन लगे, आशीर्वाद बेटे। रवि दत्ता इंसान लतीनाल इटली से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी, किसी रूह ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए होते हैं कि इस जन्म में मनुष्य शरीर में उसका जन्म राजाओं के घर पर होता है जी? बेटा कहते हैं तपो राज, अब आगे क्या बोले, कोई ना कोई तपस्या होती है ऐसी किसी न किसी जन्म में जिसके द्वारा वो राज में जल्दी से पहुंच जाता है। अंकुर इंसान लंदन यूके से, प्यारे पिताजी, नाम चर्चा में जाने का फल क्या फल मिलता है जी, मार्गदर्शन करें जी। आपको बोला हुआ है कि 15 दिन का सुमण का फल मिलेगा अगर आप सच्चे दिल से जाएंगे। कुलदीप इंसान इलफोर्ड यूके से, प्यारे पिताजी, यहाँ यूके की साथ संगत घर घर जाकर डेरा सच्चा सौदा का संदेश व मानवता भलाई के कार्यों को घर घर पहुंचाना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं कि किस प्रकार इस कार्य को करें जी। बेटा अच्छे कर्म करें और यही सबसे बढ़िया तरीका है लोगों को जगाने का, बाकी घर घर जाएंगे आप कई लोग नहीं पसंद करते, मुश्किल हो जाती है, इसलिए उसकी बजाय आप अच्छे कर्म करते रहिए ताकि लोग उसको जाने, खबरों में दें, उसे अपने आप पता चलता है।
आखिरी प्रश्न है जी, सिमरन इंसान श्री बीसी कनाडा से लाइव मैसेज, इनके तीन प्रश्न है। पहला, प्यारे पिताजी रूहानियत में मझधार का क्या मतलब है जी? क्या रूहानियत में मझधार का मतलब क्या है जी? कि आदमी श्रवण करता है फिर छोड़ देता है, भक्ति करता है छोड़ देता है, और ना वो मालिक को मानता है, बुरे कर्म करने लग जाता है। एक तो ये मझधार है। दूसरा रूहानियत में कि आदमी बुरे कर्म करता रहता है तो पापों के मझधार में डूबने लगता है, ना किनारा मिलता है और ना ही डूबता है, तड़फता रहता है, बेचैन रहता है। तो इस तरह से मझधार दो तरह से इसका अर्थ किया जाता है। इनका अगला प्रश्न है, फरिश्ते क्या होते हैं जी? देवता फरिश्ते मालिक ही बनाए सारी सृष्टि को कंट्रोल में रखने के लिए। आप उन्हें कहें क्या कहें, कर्मचारी कहें शायद ज़्यादा सही रहे। इनका आखिरी प्रश्न है जी, प्यारे पिताजी जिन सेवादारों ने शास्त्रम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद नहीं लिया, क्या वो भी सेवा के दौरान शास्त्रम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी डाल सकते हैं जी, ताकि सभी एक जैसे लगे और सारा वेलफेयर ग्रुप दूर से ही पहचाना जा सके जी? बेटा प्रसाद लेना जरूरी है और फिर आप वर्दी पहन सकते हैं जी। तो प्यारी सत संगत जीओ, जो रूहानी जाम पीने वाले भाइयों वाले पास कोई रह गया हो तो हथ खड़ा करके हिलाओ जी, हथ हिलाओ। अगर कोई रह गया नहीं भी तो सामने एक भाई, इधर भी कोई रह गया हो, भैन वाले पास कोई रह गया हो तो हथ हिलाओ भैनों, जिन्होंने रूहानी जाम पीना है। हाँ जी, सामने एक दो भैन हैं, सो दोनों बराबर जी, बैठ जाओ बेटा और तुम भी नारा ला के बैठ जाओ। हाँ जोर दी नारा लाओ, जिन्ना सिमण किया सेवा सिमण सत्संग दरगाह च मालिक मंजूर करे, बद चढ़ के आशीर्वाद बेटा। फिर भी कोई रह गया तो पिला दो, सेवादारो कि कोई रह रहा हो तो पिला देना, छोड़ना नहीं। इस साल जनवरी 2013 से अब तक एक बार बहनें आगे रही हैं, दो बार भाई आगे रहे हैं, 14 बार दोनों बराबर रहे हैं। तो भाई इस बार इस साल में आ गए थोड़ा, पिछले साल बहनें 12 बार आगे रही थी, 4 बार भाई आगे रहे थे और 18 बार दोनों बराबर रहे थे। तो इस बार भाई थोड़ा आगे जा रहे हैं और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। हाँ जी, आपका एक शब्द जो बोलना है बता दीजिए। साध संगत जी, पंजाब की साध संगत केड़ा शब्द सुनना चाहते तुम दसो जी? इधर जो आया है ढोल माही, ये तुम यही सुनना चाहते हो? हाथ खड़ा करके दसो जी सारे जी। जी जी जी, पंजाब का आज प्रोग्राम है और पंजाबी ही शब्द। कई बार कई गल बड़ी ढुकती है, अज इदा ही बैठे असं कुछ काम कर रहे थे और ये शब्द गुनगुनाउन लगे, सिर्फ यही शब्द जुबान पर सी, सो अचानक असी यदी वर्डिंग ध्यान नाल गाँवे गाँवे ध्यान नाल कि ये वर्डिंग असी बनाईए, फिर भी मालिका तू तो कमाल कर दिना है, सब तेरी खेल है, असी तो ऐसी वर्डिंग सोच भी नहीं सकते। सो ये शब्द तुसी बोलन लई कह दिता जी। चलो जी, मेरा ढोल माही नी, मेरा ढोल माही नी, मेरा ढोल माही नी, मेरा ढोल माही अखां राही बढ़दा दिलां ते राज करदा, बल्ले शावा बल्ले
फिच लैके बैठ जा कदे ना तेनू छड़ा मेरे दिल दी धड़कन तू मेरे सांच बसदा तू रस बस गया मेरे तू खड़ा नी मेरा ढोल माही अकाराई वड़दा दिलां दे राज करदा बल्ले लग जा हूं मन ते तो दूर
बैठ जाएं, बैठ जाएं। जी बैठ जाएं सत्संग जी। विदेशों से सत्संग जो आई है, सर्वजीत कौर इंसान मनप्रीत इंसान दोहा कतर खड़े हो जाएं, लखविंदर इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया, दर्शन फिलीपाइंस, भूपेंद्र इंसान संतोख इंसान दुबई, बसंत इंसान जगदीश इंसान सऊदी अरब, बहुत बहुत स्वागत बेटा जी आया नूं, प्रसाद ले लियो, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा। विदेश जाने वाले भूपेंद्र इंसान, हनी इंसान, सुखचैन इंसान, रमनदीप इंसान, प्रसाद ले जाना, बचनों पर रहना बेटा, मालिक साथ है, आशीर्वाद। बैठ जाए। दूर दराज से जाम पीने आए सती देवी व हरी शर्मा केरला, अंजन करियप्पा चेन्नई तमिलनाडु खड़े हो जाइए, जोगिंद्र पाल शर्मा, बबली पाल शर्मा जम्मू कश्मीर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। गॉड ब्लेस यू एवरीवेयर, बी प्रे टू गॉड, आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, प्लीज टेक योर सीट, बैठ जाइए, आशीर्वाद।
ब्लाक पंजाब के जो ब्लाकों ने गिना है 6,961, लिटरोजी सरसा 3,370, हरियाणा 3,359, इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल 1,642, बटरलाइन 822, राजस्थान 66, यूपी 49, दिल्ली 6, हिमाचल 5, मध्य प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, बिहार 1, झारखंड 1। पर जो सेवादारों ने गिनती की है वो डबल है, 31,960। तो ये लिखने में गड़बड़ी करते हैं आए बार, या लिख नहीं पाते क्योंकि बहुत सा संगति हाल भरा हुआ था, तो ये आप दोबारा से चेक करके सही लिखा करें। हाँ माता भैनों, चुपचाप बैठो। पंजाब दे सेवादार जो आए हैं, 100% ब्लाक आया है, एक बच्ची मेंबर नहीं आया, बाकी सारे आए हैं आशीर्वाद। सत्संग राजनीतिक विंग भी 100%, जिला सदर के 15 मैंबर 86, सतप्रेमी 85, ब्लाक भंगी 88, जिला सदर दिन सुजान भैन 91%, वाह भाई वाह। ब्लाक सदर दिन 7 सुजान भैन, वो है जी 87%, पिंडा शहर ने सुजान पिणा 84, पिंडा शहर के भंगे 96%, वाह वाही वाह। शासन गिनेस वेलफेयर प्रोसीडिंग के भाई 77 और भैणा 88%, वाह जी। नौजवान सहमति 76, बुजुर्ग भाई सहमति 71 और भैणा की 63%। सो आशीर्वाद बेटा, जो भी सत्संग चल के सुंदर जहा कार्ड भी इन्होंने बनाया, आशीर्वाद। शास्त्र राम जी की नेशनल फेलफर सिंह का प्रशाल ने वाला सेवादार 76, खड़े हो जाने जी भाई भैन। पंगीदास 11, नौजवान संपत्ति 3, यूथ वीरांगना 110 और जिला जिम्मेवार 1। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 99। सो धन मां बाप, धन परिवार जिन्हों के बच्चे सेवा करते, प्रशाल ले लो बेटा, जोर शोर से नाल सेवा करो, मालिक चौगुणियां खुशियां बख्शे, जोर दी नाल लागे बैठ जाओ, आशीर्वाद। पूजे पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए पावन अवतार माँ की खुशी में न्यूजीलैंड की सत्संग 1,00,000, भजनदीप इंसा ऑस्ट्रेलिया 50,000, मनदीपपुरी इंसा कैलिफोर्निया से 78,508 रुपये 67 पैसे, अविनाश कौर इंसा इंग्लैंड से 22,280, केसर इंसा सिंगापुर से 10,000, पंजाब के 25 मेंबर बहन भाई सत्संग राजनीति 51,000, सुखदू असमा से मीना इंसा 5,100, इनके अलावा 874 बहन भाई दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। खड़े हो जाएं जी, तो सेवा समय मन लगे, घरों में खुशियां हैं, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो कर्म से नवाजे, अंदर बाहर मालिक खुशियां बख्शे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद और प्रसाद भी ले लेना। ये आपको पता ही है, मीत मां जने तो जने भक्त परमार्थी योदा, नहीं तो ना जने जशनूर खत्म ही होगा। आपको पता ही है भक्त योद्धा बहुत बड़ी बात, और आज वाला जो भक्त योद्धा बनने आया है, गुरु प्यार इंसान सुपुत्र शमशेर इंसान निवासी गुरु हरगोविंद नगर फरीदकोट जिला फरीदकोट, इस खुशी में दिंदु के मध्य में बैंक में 1,107 रुपये जमा करवाते हैं, आशीर्वाद बेटा। तन माँ बाप, तन परिवार जिन्हों के बच्चे सेवा करते, और तनों कुलां हो जाए, सो जदों ही थोड़ी शादी हो जानी है तमाम खुशियां शुरू हो जानी है, सो अज तो ही शुरू है। सो जोर दी नारा लाके बैठ जाओ, प्रशाद ले लो, परिवार को भी दो आशीर्वाद बेटा। आप जी की प्रेरणा द्वारा चलाई गई मुहिम आशियाने के तहत अलग अलग ब्लाकों ने घर बना के दिते हैं जी। विधवा भैन सुमन इंसा, पत्नी स्वर्गीय राजेश कुमार निवासी बुढ़लाडा, ब्लाकों वाले खड़े होंदे जाओ, ब्लाक बुढ़लाडा जिला मानसा। विधवा भैन शांति देवी इंसा, पत्नी
लाल चंद निवासी पक्का कलां ब्लाक रामा नसीबपुरा जिला बठिंडा और भैन शारदा देवी इंसा पत्नी बिमल कुमार निवासी बठिंडा ब्लाक बठिंडा जिला बठिंडा। तन वह ब्लाक और सेवादार जिन्हें जो सेवादार सेवा करते हैं प्रसाद ले लियो बेटा सारे परिवारों दियो और जिन्होंने सेवा की उन्होंने भी दियो। सो मालक बेहद खुशियां देवे तुहाडे घरां च खुशियां नाल रहमतां नाल मालक रंग लावे। सो आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाओ और चाबी लैन वाले बेटा बचना ते पक्के रहना है घर तुहाडे लई सुख हंडाणा होवे बचना ते पक्के रहो आशीर्वाद बेटा। हाँ चोली करो बेटा अशोक 11 परिवार आए हैं जिन्हें किसी ने चोला छड़े खड़े हो जाओ जी। सारे का नाम लिया सी दो दा शरीर दा निकदियां अखां दोनों दान महादान आशीर्वाद पांच परिवार दी दुखिया मदली बैंक च पैसा जमा करवाउंदे आशीर्वाद परिवार दोनों पासे आए नाम रिकॉर्ड च चढ़ गया जी। सो जिसने नाम लिया हुंदा वो आत्मा मालक की गोद च बैठ के ज्यों त्यों निजधाम सचखंड सतलोक नामे जाती है। अस्थियां फुल लैके आए हो या तो खुद का खेत है गहरा टोआ पुट के उत्थे दवा दो या बड़ी नहर नदी च नार ला के प्रवाह कर दो ये तो मिट्टी आत्मा मालक ज्यों त्यों निजधाम लेके जाते। सो प्रसाद ले लो जो जख्म देना मरहम जरूर देवेगा। की गल होगी भाई सारे उल्ट पुलट कर रखे नंबर वाइज रखे ये ऊपर आ नीचे जी। शादी वाले परिवार आए हैं और ये दिन दुखिया मध्य च बैंक च 6200 रुपए जमा करवाते आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान 4 शरीरदान 3 दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के दनों धीरज इंसा पुत्र शिवपाल इंसा जी के निवासी समाणा जिला पटियाला पंजाब लड़की देना मीनू इंसा पुत्री सुरेश कुमार इंसा जी की निवासी खन्ना जिला लुधियाना पंजाब। लड़का लड़की आपस दिल जोड़ माला पाओ जी। और ये नौजवान शास्त्रम जी कितने समय फिर फोर्स में मैंबर है उसी बर्दी में तोहफा समझ के बहन है आशीर्वाद। शादी वाले अगले परिवार दिन दुखिया मध्य च बैंक 16101 रुपया जमा करवाते आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान 3 शरीरदान 3 मैंबर दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के देना हरविंदर इंसा पुत्र जरनैल इंसा जी के निवासी बुड़ैन जिला लुधियाना लड़के देना ज्योति इंसा पुत्री बलदेव सिंह इंसा जी की निवासी मेहरबान जिला लुधियाना पंजाब। लड़का लड़की आप दिल जोड़ माला पाओ जी। गुड़िया शास्त्रा जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की मैंबर है जी उसी वर्दी में तोहफा समझ के पहने शादी वाले अगले परिवार मरणोपरांत नेत्रदान का 5 शरीरदान का 1 मैंबर प्रण करते हैं। सो दोनों दान महादान आशीर्वाद लड़के का नाम मित इंसा पुत्र रमेश कुमार जी इंसा जी का निवासी फतेहाबाद जिला फतेहाबाद हरियाणा लड़के ना शिल्पा इंसा पुत्री गोविंद कुमार इंसा जी की निवासी डब्बाली जिला सिरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। अगले परिवार दिन दुखिया मच बैंक 21770 रुपये जमा करवाते आशीर्वाद। आज ही परिवार के 5 मैंबरों ने खूनदान किया है। सो खूनदान महादान मरणोपरांत नित्यदान 15 शरीरदान 10 मैंबर बहुत बड़ी गल आशीर्वाद। और जीते जी गुरदा दान करने का भी प्रण 5 मैंबर कर रहे हैं जी बहुत बड़ी गल आशीर्वाद। लड़के का नाम विकास इंसा पुत्र घनश्याम दास 25 मैंबर यूपी का निवासी भूना जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम शिवानी इंसा पुत्री कमल कुमार जी की निवासी कैथल जिला कैथल हरियाणा। सो ये दोनों बच्चे शास्त्रम जी की नेशनल फिर फोर्स विंग के मेंबर हैं जी।
बेटा आशीर्वाद। और शादी वाले पांचवें परिवार जिंदगी मध्य बैंक में 11,000 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। मरण उपरांत नेत्रदान, तीन शरीरदान, तीन मेंबर, दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम अमित इंसा, पुत्र रोशन लाल इंसा जी के निवासी सरसा, जिला सरसा, हरियाणा। लड़की का नाम मोनिका इंसा, पुत्र अशोक कुमार इंसा जी के निवासी कल्लू, जिला फाजिलका, पंजाब। लड़का लड़की आपस में तिल जोड़ मंडा लें। ईसा संघ जी, आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार, विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां हैं, मालिक से दुआ करते और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। तो जो भी सत्संगत सत्संग में चल के आए, जब से आप सत्संग के एरिया में बैठे हैं तब से लेके और जब तक घर नहीं पहुंचते, मालिक सतगुरु से विनती दुआ है, सत्संगों से बढ़ के फल आपकी झोड़ियों में पड़ता रहे, मालिक रहमो कर्म से माला माल करते रहे। सो लंगर भोजन लेना, उसके बाद जैसा आपका ख्याल, जाने का समय अनुसार जा सकते हैं, और जिनका रूबरू प्रोग्राम है 7 बजे तक, उन सेवादारों ने अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाना है। तो अभी 1-2 मिनट इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए, सज रहिए, फिर जैसा आपका ख्याल, और आप सबको मालिक बेहद खुशियां बख्शे, बहुत बहुत आशीर्वाद। सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। जो बहने भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाई वाली साइड में आगे आकर और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है। और कैबिनेट से बाहर आपने लाइनें लगाकर दरबार की मर्यादा के अनुसार आराम से श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण करना है। लंगर जितनी आवश्यकता है उतना ही लिया करें। लंगर सतगुरु का बेशकीमती प्रसाद है, पूरी श्रद्धा के साथ आराम से बैठकर लंगर ग्रहण किया करें जी। आधे लंगर की जरूरत आधा ले लिया करें, आधे से कम की जरूरत आधे से कम ले लें, लेकिन झूठा बिल्कुल भी न फेंका करें, इस बात का पूरा ध्यान रखा करें। लंगर का छोटा सा भी टुकड़ा आप फेंक देते हैं तो सतगुरु ने पता नहीं कितनी रहमतें, कितनी नियामतें उसमें भरी होती है, और आप उनसे वंचित रह जाते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ जितनी जरूरत है लंगर उतना ही लिया करें जी। बिहार से कोई भी आया है तो आगे आकर मिल लें जी। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में रहना है, भाई वाली साइड में नहीं आना, और मस्तों मस्त रूहानी रूबरू नाइट प्रोग्राम में जिनका प्रोग्राम है वो जाने के लिए जो रास्ता है, बहनों का रास्ता है अस्पताल वाली साइड से स्टेडियम को जो सड़क जाती है उस रास्ते से, और भाइयों ने 15 नंबर मोटर वाली साइड से स्टेडियम में जाना है जी। आप पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है। धनंजन सतगुरु तेरा ही आसरा। और मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट में आपने वहां पर कोई भी फोन इत्यादि लेकर नहीं जाना, आप पहले ही जहां पर ये सामान जमा होता है वहां पर जमा करवाने के बाद फिर ही आपने स्टेडियम में जाना है जी। धनंजन सतगुरु तेरा ही आसरा। जलालाबाद से